नमस्कार हरि प्रेमियों, चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों कैसे, नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। 16 सोमवार व्रत कथा। हरि प्रेमियों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों आइए जानते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक था तथा मन को शांति देने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहां ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ आओ इस स्थान पर चौसर पासे खेलते हैं। खेल प्रारंभ होता है, शिव जी कहने लगे मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनके आपस में बातचीत होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और तूने मिथ्या भाषण किया है, अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय बाद अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माँ अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया जिससे उनके रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए आज्ञाकारी बने। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माँ क्या कारण है मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। वह विदेश गया, वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिसे हथिनी ने आपके गले में वर माला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि के विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली।
फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई, अपना सारा दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार किया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने उन्हें डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह सकती है, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से ऐसा हुआ है? रानी ने बताया, मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने शिव जी से उनके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आ गई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। कथा सुनने के बाद शिव जी की आरती ओम जय सिंह शिव ओंकारा गाना चाहिए। हरि प्रेमियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।